दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई एडिशन है, डेटेड 26 जुलाई फ्राइडे 2024 और पेज नंबर 4 पे इतना बड़ा आर्टिकल आया जो ये है, जिसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर फाइंड ₹50 लाख फॉर ह्यूज पोर्ट होल ऑन सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड एक्सटेंशन। इतना बड़ा आर्टिकल आया और ये जो कॉन्ट्रेक्टर है MMRDA का, जिसका नाम है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटल 6,392 करोड़ रुपीज है, 52 वीक्स लो 337, 52 वीक्स हाई 935, करंट मार्केट प्राइस 845। तो ये जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इन शॉर्ट जय कुमार, जो के BMC में ब्लैक लिस्टेड है, इसने कई ऐसे काम किए, ये स्पेशलिस्ट है रोड के लिए और मेट्रो के लिए जो काम होता है उसकी ये स्पेशलिस्ट है, और BMC ने प्रीवियसली इसको ब्लैक लिस्ट किया था अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन ये MMRDA की फराक दिली है जो जय कुमार को बेतहाशा वर्कआउट दे रही है। अब जो ये रोड है सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है SCLR, ये 1.2 किलोमीटर लॉन्ग रास्ता है, 8 मीटर वीट है। तो ये काम, इसका प्रोजेक्ट का जो काम था 2016 में मिला था जय कुमार को, 2019 में से कंप्लीट करना था, लेकिन ये 3 सालों में कंप्लीट नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से जो काम का टेंडर था, वर्क ऑर्डर था, अप्रूवल था 450 करोड़ रुपए का SCLR का, वो बढ़ के हो गया 650 करोड़, यानी 200 करोड़ रुपया उसमें बढ़ गया। अब देखिए हाल फिलहाल में 23 जुलाई 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये जो रास्ता है इसका जो BKC LBS रोड का जो फ्लावर आर्म है वो इससे मर्ज होता है SCLR से, तो वो रस्ते की हालत इतनी खराब थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने फोटो उतार के अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल डाला, जिसकी वजह से MMRDA नींद से जागी और इस पोर्ट होल्स के लिए, जबकि ये रोड ओपन हुआ था 10 फरवरी 2023 और अभी से 1.5 साल भी नहीं गुजरा है और इतने सारे होल हो गए, जिसकी वजह से MMRDA ने जय कुमार के ऊपर 50 लाख रुपए का फाइन मारी और ये रिपेयरिंग के लिए BKC LBS मार्ग आम रोड जो है उसको रिपेयर करने के लिए बंद करना पड़ा उसे, तो पर डे का 10 लाख रुपए भी फाइन मारी MMRDA ने जय कुमार के ऊपर। अब यहां पे उन्होंने MMRDA ने जो जय कुमार का प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है पेडेको, उसको भी उस पर भी एक्शन ली, डिसिप्लिनरी एक्शन ली और शो का नोटिस भी इशू करी MMRDA ने अपने डिप्टी इंजीनियर के लिए। और ये जय कुमार ये लास्ट ईयर 17 सितंबर 2021 में जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन एलिवेटर सेक्शन था वो भी कॉलेप्स हो गया था, उस टाइम पे भी जय कुमार की जो कंसल्टेंट है पेडेको उसके ऊपर 20 लाख रुपए का फाइन मारी थी, अब की बार 10 लाख रुपए का फाइन मारी है जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है पेडेको के ऊपर, जय कुमार पे पहले भी 1 करोड़ रुपए का फाइन मारी, अभी 50 लाख रुपए का फाइन मारी। तो देख लीजिए कि जय कुमार जो टेंडर में लिखता है, जो प्रोमिसेस करता है, वो मटेरियल यूज नहीं कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं 1.5 साल में सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड का ये सत्यानाशी हो गई, होल पड़ गए जिससे ना जाने कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, सिटीजन की जान जा सकती है। तो हमने भी हमारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, हमने भी जैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल फ्राइडे के रोज पढ़े, हमने इमीडिएटली हमारी 8 RTI MMRDA को डाली जय कुमार और उसका जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है पेडेको के खिलाफ, के हमें प्रॉपर जानकारी दीजिए। ये 8 RTI की कॉपीज है जो आपके स्क्रीन पे चल भी रही है, टोटल 8 RTI है और हमने इसे स्पीड पोस्ट के तहत डाले हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जय कुमार ने जो ये धांधली की है
450 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, जो 3 साल में कंप्लीट होना था, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, और 450 करोड़ किस तरीके से 650 करोड़ में तब्दील हो गया, ये तो हम पूछेंगे, क्योंकि हमारे ही पैसा है और आपका पैसा है जो हम टैक्स भर रहे हैं। एमएमआरडीए जो है उसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, वो झाड़ से कोई पैसे नहीं तोड़ रही है, आसमान पे उसके पैसे की बारिश नहीं हो रही है, आपका हमारा पैसा है। और किस तरीके से जय कुमार ने मैनेज किया होगा एमएमआरडीए के ऑफिसर को, जिसकी वजह से जहां बीएमसी ने जय कुमार को ब्लैकलिस्ट करी है, वहां पे एमएमआरडीए धलड़े से उसे काम दे रही है, जो कि इतना वर्स्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं कि 1.5 साल में इतने बड़े बड़े होल हो जा रहे, पोर्ट होल हो जा रहे, सिटीजन की जान खतरे में डाल रहा है, और ये प्रोजेक्ट किस तरीके से 200 करोड़ का बढ़ गया। तो हमें ये जो हमने स्पीड पोस्ट किए, इसकी हमें जानकारी 1 महीने के अंदर मिल जाएगी, बल्कि उससे पहले मिलेंगी, क्योंकि सब लेटेस्ट ही है। तो अब ये देखना है कि एमएमआरडीए के कंसर्न ऑफिसर बजाय तो टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया कि उसके जो डिप्टी इंजीनियर उसको शो कॉज नोटिस इश्यू करी एमएमआरडीए ने, वो सब दिखा हुआ है, पूरी सहानुभूति है एमएमआरडीए के ऑफिसर की भी, जय कुमार के जो चेयरपर्सन है मैनेजिंग डायरेक्टर उनके साथ, जिसकी वजह से जय कुमार जो उसने टेंडर दिया, जो उसने प्रॉमिस किया कि ये पीरियड में मैं काम कंप्लीट करूंगा, क्यों 3 साल में काम कंप्लीट नहीं किया, 450 करोड़ में मैं काम कंप्लीट करूं, कैसा वो 450 करोड़ 650 करोड़ में तब्दील होगा, प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए। स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस विथ म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण अशोक गागरानी, चेयरमैन ऑफ एमएमआरडीए और विथ अदर कंसर्न अथॉरिटीज डिपार्टमेंट, उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए जय कुमार के खिलाफ। और जो गिल्टी ऑफिसर है एमएमआरडीए के, जिन्होंने जय कुमार की बैकिंग की, खुशामद की, उससे इतना बड़ा ऑर्डर अलॉट किया, इतनी वर्स्ट क्वालिटी का उसने काम किया, फिर भी आज तक एमएमआरडीए ने जय कुमार को सस्पेंड नहीं किया, टर्मिनेट नहीं किया, ब्लैकलिस्ट नहीं किया, प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए जय कुमार के ऊपर, और उससे टोटली सस्पेंड करना चाहिए, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए एमएमआरडीए एज वेल एज अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हमने अपनी आंखों से जय कुमार का काम ना सिर्फ मुंबई में देखे, बल्कि हमने पुणे में भी देखे, पुणे रेलवे स्टेशन के करीब भी मेट्रो का बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़े 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 से प्रोजेक्ट मिलते हैं, लेकिन ये इस तरीके का वर्स्ट क्वालिटी का काम करता है, ये है जय कुमार की कारदगी, और इसे देखते हुए इसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.